राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी सियासी जंग में अब सचिन पायलट की जीत होती दिखाई दे रही है। दरअसल खबरें सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट के भविष्य का फैसला दिल्ली से तय हो रहा है। जी हां, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये फैसला कर रही हैं कि सचिन पायलट के समर्थकों को किस तरह मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जाए, उसके साथ ही साथ सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी कैसे और कब सौंपी जाए। हालांकि खबरें सामने आ रही हैं कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सचिन पायलट को कई बड़ी जिम्मेदारियाँ भी दी जा सकती हैं। दरअसल बीते दिनों पहले सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा को खास संदेश लेकर अशोक गहलोत के घर भेजा था, जिसमें साफ देखने को मिल रहा था कि अशोक गहलोत जो हैं वो पूरी तरह से बात मानते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब सचिन पायलट के भविष्य का सवाल भी दिखता नजर आ रहा। देखना यह होगा कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन के भविष्य को सुधारने के लिए और क्या बड़े फैसले लेती हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।